हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट जोन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इसके जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, फिर यहाँ पर बात करेंगे वर्क की क्या काम होता है, एंड सैलरी भी डिस्कस करेंगे, हॉलीडेज भी डिस्कस करेंगे, प्रमोशन भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है गाइज़। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइज़। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को। ठीक है, स्टेज वन एंड स्टेज टू। तो पहला आप देख सकते हो सीबीटी आपका एग्ज़ाम है, जिसमें कि 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन भी रहते हैं। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और आप देख सकते हो कितना टाइम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हो। और नेक्स्ट अगर बात करें तो आप देख सकते हो स्टेज टू का यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न है। ये देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देखा जाए, टाइपिंग स्पीड कैसा है, तो 15 मिनट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए भी। ठीक है, मैक्सिमम ये आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके काम के बारे में, क्या काम आपको करना पड़ता है। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर वर्क की बात करेंगे। तो ये एक यहाँ पर क्लर्क टाइप का काम होता है, लेकिन यहाँ पर ये हाई डिवीज़न क्लर्क में आता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, लो डिवीज़न क्लर्क में इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा, पॉइंट वाइज मैंने मैंशन कर दिया। इसके लिए इसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर की वजह से। तो आप सबसे पहले पॉइंट वन नंबर की बात करके क्या काम होता है, तो जितना भी आपका यहाँ पर जो जज के पास फाइल जाता है वो आपके थ्रू से ही जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है, मतलब उसमें अवेलेबल है या जो भी आपने उसमें मेंशन किया गया है फाइल में, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको चेक करना है और चेक करके ही जज के पास भेजना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि अगर कोई भी यहाँ पर मिस्टेक होगा तो ब्लेम आपके ऊपर जाएगा। अपॉइंटमेंट टू में देख सकते हो मेंशन किया गया, दे हैव टू चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड मेंशन इट इन द फाइल इज करेक्ट एंड ओरिजिनल। ओके, तो ये आपको यहाँ पर चेक करके ही भेजना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि और क्या काम करना पड़ता है आपको, सो और भी बहुत सारे काम दिए जाते हैं, लाइक आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करना हो गया, ये बहुत सारे यहाँ पर काम होते हैं। तो ये सब आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस के बेस पे आपको काम दिया जाएगा, लाइक आप अगर सीनियर हो तो वहाँ पर और भी तरह के आपको काम वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें पावर क्या होती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है हैव द पावर टू रिजेक्ट योर फाइल नॉट टू लिस्ट देम फॉर हेयरिंग एंड कैन डिले इन योर हेयरिंग। तो यहाँ पर अगर सारे डॉक्यूमेंट नहीं है सब सही, तो यहाँ पर रिजेक्ट करने का भी पावर है रिव्यू ऑफिसर के पास। ठीक है, फाइल को, तो ये भी यहाँ पर आप पावर की मैंने बात कर ली। तो यही सब काम है, क्लर्क टाइप का ही काम यहाँ पर होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है बिकॉज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आप देख सकते हो। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है इसकी वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी में आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ पर मेंशन किया गया था एडवर्टाइजमेंट में। तो ये देख सकते हो यहाँ पर इसका पे स्केल कितना मेंशन किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो पे स्केल है 47,000 से लेकर 1,51,000 यहाँ पर इसका पे स्केल है। ठीक है, तो पे स्केल काफ़ी अच्छी खासी है। तो अब यहाँ पर बात करें कि क्या आपकी ग्रॉस सैलरी होती है अलाउंस वगैरह ऐड करके, तो यहाँ पर इसकी बात करें अलाउंस की, तो 12,000 के आसपास आपको अलाउंस वगैरह मिलती है। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी की यहाँ पर बात कर ले, तो ग्रॉस सैलरी आप देख सकते हो यहाँ पर 60,000 मिलेगा आपको पर मंथ अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, वहीं अगर इनहैंड सैलरी की बात कर ले कि पी एफ वगैरह कट कर आपको इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तो आप देख सकते हो इनहैंड सैलरी यहाँ पर 55,000 है। ठीक है, तो इनहैंड सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाला है 55,000 के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट वही बात करें प्रमोशन की, कि प्रमोशन यहाँ पर होता क्या है, कैसे प्रमोशन होता है, कितना टाइम लगता है, तो हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं प्रमोशन की। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर दिया है, देख सकते हो प्रमोशन यहाँ पर रिव्यू ऑफिसर से लेकर आप यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार तक बन सकते हो। ठीक है, अब ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनने के लिए क्या कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वन बाई वन करके प्रमोशन देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपका प्रमोशन होगा आरओ से एसओ में, यानी कि सेक्शन ऑफिसर में होगा। ठीक है, इस प्रमोशन के लिए आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा 10 इयर्स। ठीक है, 10 साल के बाद आपका ये प्रमोशन होगा आरओ से एसओ में। उसके बाद बात करें एसओ से एआर बने यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 से 4 साल के अंदर ही आपको यहाँ पर ये प्रमोशन मिल जाता है। उसका नेक्स्ट प्रमोशन आप देख सकते हो, जनरली सब यहाँ तक पहुँच जाते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार तक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें कि डिप्टी रजिस्ट्रार तक ही आपकी प्रमोशन हो सकती है, तो नहीं, आपकी प्रमोशन यहाँ पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार तक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनने के लिए आपके पास
LLB का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर LLB का डिग्री है तभी आप जॉइंट रजिस्ट्रार बन सकते हो, ठीक है। तो ये प्रमोशन देख सकते हो, आप डिप्टी रजिस्ट्रार तक भी जा सकते हो, आराम से आप डिप्टी रजिस्ट्रार तक पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर जॉइंट रजिस्ट्रार बनना है तो LLB का आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर पहुँच पाओगे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर मेंशन है। सो गाइस अगर नेक्स्ट बात कर ले तो वहीं अगर वर्किंग टाइम की बात करें तो कितना देर आपको काम करना पड़ेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिस टाइम आप देख सकते हो 9:30 AM से लेकर 4:30 PM तक आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करें वहीं तो जनरली आपको यहाँ पर 6 PM तक रहना पड़ता है, ठीक है। ये तो मेंशन किया गया है यहाँ पर, लेकिन जनरली आपको 6 PM तक वहाँ पर काम करना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स आपको काम करने पड़ेंगे, ठीक है। उससे भी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है मे बी। अब अगर यहाँ पर बात करें होलीडेज़ की, होलीडेज़ कैसे होते हैं, तो होलीडेज़ आपको नॉर्मली मिलेगा जैसे सबको मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, होली हो गया, दिवाली हो गया, तो ये सब होलीडेज़ आपको मिलने वाले हैं। जैसे समर वैकेशन हो गया तो सभी कुछ आपको मिलने वाले, तो इसका आपको टेंशन कोई लेना नहीं है। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ मैंने यहाँ पर जॉब प्रोफाइल डिटेल में डिस्कस कर दी है, सैलरी बता दिया है, प्रमोशन बता दिया है, वर्किंग टाइम बता दिया, सब कुछ बता दिया है, ठीक है गाइस। तो ये है आज की वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करना, और चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए गाइस। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।